मेरा नाम देवश्री है और आपका ये संडे स्कूल में बहुत स्वागत है। क्यों ना हम तालियां बजाकर खुद का स्वागत करें। यस, जब मैंने सुना कि आप हर टाइम जब भी हमारा संडे स्कूल होता है अब पूरे जोश के साथ रेडी होके इस संडे स्कूल को अटेंड करते हैं और मुझे पता है आज भी आप ऐसे ही रेडी होके पूरे जोश के साथ आज की आराधना को, स्टोरी को और एक्टिविटी को भी करेंगे। यस, तो आप तैयार हो? तो क्यों ना हम आज का शुरुआत प्रभु को आराधना देकर करेंगे। तो आइए हम प्रणीता दीदी के साथ नाचे गाए और प्रभु को स्तुति दे। तो लेट्स गो। यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है, 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 यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है। तक दिन आ दिन आहा आहा, तक दिन आ दिन ओहो ओहो, तक दिन आ दिन आहा आहा, तक दिन आ दिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु मेरे लिए जग में आया है, 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 यीशु मेरे लिए जग में आया है। तक दिन आ दिन आहा आहा, तक दिन आ दिन ओहो ओहो, तक दिन आ दिन आहा आहा, तक दिन आ दिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु ने मुझे प्यार किया है, 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 यीशु ने मुझे प्यार किया है। तक दिन आ दिन आहा आहा, तक दिन आ दिन ओहो ओहो, तक दिन आ दिन आहा आहा, तक दिन आ दिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु ने मुझे माफ किया है, 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 यीशु ने मुझे माफ किया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, खिलाता है, शैतान भी डरता।
भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। तो करो जय जयकार, हम वचन को सीखेंगे और याद करेंगे। तो आज का वचन है 1 यूहन्ना 14:7, और वचन कहता है कि हम आपस में प्यार करें, क्योंकि प्यार परमेश्वर है, और जो कोई प्यार करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। तो आप भी मेरे साथ करेंगे? यस, तो आइए हम, आप मेरे पीछे कहें। 1 यूहन्ना 14:7, हम आपस में प्यार करें, क्योंकि प्यार परमेश्वर है, और जो कोई प्यार करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। फिर एक बार करें, 1 यूहन्ना 14:7, हम आपस में प्यार करें, क्योंकि प्यार परमेश्वर है, और जो कोई प्यार करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। आमेन। तो ये वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें कहता है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई प्यार करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। और मुझे पता है कि आप परमेश्वर से जन्मे हो, है ना? तो हमें परमेश्वर को परमेश्वर की तरह प्यार दिखाना है, हमें एक दूसरे से प्यार दिखाना है। जैसे आपका भाई हो या बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, कभी कभी उनका गुस्सा आता है, पर हमें उन्हें प्यार दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार, बहुत 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 प्यार करता है। यस। अब हम कहानी को सुनेंगे। जैसे हम इतने दिनों से परमेश्वर के नामों के बारे में सीखते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उस पर एक बार रिवीजन करें। यस। तो पहला नाम हमने कौन सा सीखा जो परमेश्वर का है? यस, मैं हूँ, यानी परमेश्वर साथ है। दूसरा नाम था यहोवा रोही, यानी परमेश्वर चरवाहा है। तीसरा नाम था यहोवा राफा, यानी परमेश्वर चंगाई है। चौथा नाम था यहोवा यीरे, यानी परमेश्वर प्रयोजन है। पांचवा नाम था यहोवा निसी, यानी परमेश्वर वज है। हमने सिक्स नाम जो सीखा वो था यहोवा शालोम, यानी परमेश्वर शांति है। और पिछली बार हमने सीखा कि परमेश्वर पवित्र है, और आज हम सीखेंगे इसके बारे में, क्या है ये
ये एक दिल है, एक हार्ट शेप है। जब आप इसे देखते हैं तो आपको क्या क्या कौन सा शब्द याद आता है? प्यार। यस, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के प्यार के बारे में। प्यार ये एक परमेश्वर का और एक नाम है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे प्यार दिखाया और कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल गया। तो आज हम कहानी सीखेंगे, कहानी सुनेंगे जकई के बारे में कि कैसे प्रभु ने उसे प्यार दिखाया और उसका पूरा जीवन बदल गया। तो आइए हम इसकी कहानी सुनते हैं और देखते हैं। ये जकई है और जकई का कहानी हम लुका के 19वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। जकई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति होता है। चुंगी लेना मतलब लोगों से पैसे लेता था, पैसे मांग कर लेता था, और इस वजह से लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लोग उस पर गुस्सा करते थे, वो उसके बारे में बहुत बुरा बुरा कहते थे कि तू पापी है, तू नाटा है। जकई का हाइट छोटा होता है तो इसलिए लोग उसे चिढ़ाते थे, तू नाटा है, तू लोगों से पैसे लेता है, तू पापी है, और बहुत कुछ कहते थे। और इस वजह से जकई को कोई पसंद नहीं करता था, और जकई का कोई फ्रेंड भी नहीं था जो उसे प्यार करे, जो उसके साथ बातें करे। एक दिन यरियो में प्रभु यीशु आते हैं और इस वजह से बहुत सारी भीड़ जमा होती है, और तब जकई को भी पता चलता है कि यीशु आए हैं, और इस वजह से वो दौड़ के वो या भीड़ में आता है। पर उसका हाइट छोटा होने के वजह से वो प्रभु यीशु को देख नहीं पाता है। वो लोगों को साइड होने को कहता है, वो जंप करता है, पर वो प्रभु यीशु को नहीं देख पाता। तब उसे ये पेड़ दिखता है और वो दौड़ के वो पेड़ पर चढ़ जाता है, और पेड़ पर चढ़ने के बाद प्रभु यीशु वहाँ से चलते हैं और उनकी नज़र जकई पर जाती है। तब वो जकई को कहते हैं, जकई नीचे आ। प्रभु यीशु को किसी ने उसका नाम बताया नहीं होता है, फिर भी प्रभु यीशु उसे नाम से पुकारते और कहते हैं, नीचे आ। और तब जकई तुरंत नीचे आता है प्रभु के पास। तब प्रभु यीशु जकई को कहते हैं कि जकई, आज मैं तेरे घर खाना खाने आने वाला हूँ। ये सुनकर जकई बहुत खुश होता है, पर ये सुनकर लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं, प्रभु यीशु ये तो पापी है, ये हमसे पैसे लेता है, और आप इसके घर कैसे जा सकते हो? लेकिन ये सुनकर जकई का मन बदलता है और जकई प्रभु यीशु को कहता है कि मैंने जिनके भी पैसे लिए हैं वो मैं सब लौटा दूंगा, जितने दिए हैं उतने ही नहीं बल्कि 4 गुना लौटा दूंगा। तब प्रभु यीशु से कहते हैं कि जकई, तेरे पाप क्षमा हुए और आज तूने उद्धार पाया है। तो देखा आपने कैसे जकई का जीवन बदल गया। प्रभु के प्यारे शब्दों के वजह से जकई पूरी तरह से बदल गया। प्रभु यीशु ने कोई बड़े बड़े शब्द नहीं कहे, प्रभु यीशु ने तो नॉर्मल शब्द कहे, जैसे उसका नाम पुकारा और कहा कि उसके घर वो खाना खाने के लिए आएगा। शायद से जकई के लिए ये शब्द बहुत बड़े होंगे, क्योंकि वहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता था, कोई उसका फ्रेंड नहीं था। पर जब प्रभु यीशु ने उसका नाम पुकारा और उसे कहा कि मैं तेरे घर खाना खाने आने वाला हूँ, तो शायद से ये शब्दों की वजह से उसका जीवन, उसके मन में परिवर्तन हुआ, और उसने कहा कि जितने भी पैसे उसने लोगों से लिए हैं वो उसे लौटा देगा।
और उसने उतना ही नहीं जितना उनसे लिया था, उन लोगों से पैसे लिए थे, पर उससे ज्यादा उसने लौटाया। और ये देखकर प्रभु यीशु बहुत खुश हुए। देखा प्रभु यीशु की ये प्यारे शब्द के वजह से, ये प्यार के वजह से कैसे जक्कई का जीवन बदल गया और उसने एक नया जीवन शुरुआत किया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि प्रभु प्यार है और प्रभु हमें प्यार दिखाने के लिए आया है। जैसे हमने वचन में सीखा कि हमें आपस में प्यार करना है, तो भले ही आपके कोई फ्रेंड्स है या आपके घर में कोई ऐसे है व्यक्ति, जैसे कि भाई बहन या मम्मी पापा, जो आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया या आपको बुरा कहा, पर आपको उन्हें प्यार दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्यार दिखाया है और हमें प्यार करना है। यस, क्योंकि प्रभु ने आपको प्यार किया है, प्रभु ने आपको चुना है और प्रभु आपका नाम लेता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो अगर आपको कोई भी बुरा कहे या कुछ कहे जिससे आपके दिल में चोट है या फिर आपको बुरा लगा या आप नाराज हो, तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपको कुछ कहे जिससे आपको बुरा लगे, तो आप अपने दिल पर ऐसे हाथ रख सकते हैं और आप कह सकते हैं, खुद का नाम लीजिए। जैसा मेरा नाम देवश्री है, तो मैं कहूँगी कि देवश्री, आपको प्रभु बहुत प्यार करता है और प्रभु ने आपको चुना है। इससे क्या होगा? इससे दिखेगा कि आप आपके मन में एक शांति पाओगे और प्रभु के प्यार को आप महसूस करोगे। यस, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। तो क्यों ना हम प्रभु के प्यार को हमारे जीवन में और मांगे। यस, तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को ऐसे फैलाए आगे करें और प्रभु को प्यार और प्रभु से मांगे उसके प्यार के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके प्यार के लिए मांगती हूँ कि प्रभु आप आओ और आपका प्यार इन सारे बच्चों पर आप उंडेलो। परमेश्वर जी, प्रभु यीशु, मैं मांगती हूँ कि जैसे आपने जक्कई को प्यार दिखाया परमेश्वर जी, और उस वजह से जैसे उसका जीवन बदल गया प्रभु यीशु, वही प्यार को हम सब पर उंडेलो। परमेश्वर जी, प्रभु आपके प्यार को हमारे ऊपर दर्शाओ, क्योंकि आप बहुत और बहुत निराले हो परमेश्वर जी। प्रभु, जब आप अपने आप को प्रकट करते हो वो बहुत अनोखा होता है। प्रभु यीशु, मैं आपके इस प्यार को सारे बच्चों पर उंडेलती हूँ परमेश्वर जी, मांगती हूँ, ऐलान करती हूँ कि आओ और आपका प्यार दिखाओ। धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन। तो अब है एक्टिविटी टाइम। तो क्यों ना हम साइली दीदी के साथ एक्टिविटी करें पूरे इंटरेस्ट के साथ। यस, आइए हम एक्टिविटी करते हैं। हाय बच्चों, आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसका नाम है हैंड प्रिंट आउल। तो हैंड प्रिंट आउल इस तरीके का दिखता है, तो आज हम इसे बनाने वाले हैं। तो आइए हम इसे बनाएं। तो हैंड प्रिंट आउल बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ प्रकार के रंगीन पेपर। अगर आपके पास रंगीन पेपर नहीं है तो आप व्हाइट कलर के पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ग्लू, पेन, पेंसिल, मार्कर, कैची, इरेजर और कॉइल। तो इस पहले सबसे पहले हम आउल का शरीर बनाएंगे। तो शरीर बनाने के लिए आप एक पेपर लीजिए, फिर उसके ऊपर आप जैसे हम फ्लावर पॉट बनाते हैं उसका आपको डिजाइन बनाना है इस तरीके का।
तो ये हो गया हमारे आउल का शरीर का डिजाइन तैयार। इसके बाद आपको ये कैची लेना है और आपको इसे इस तरीके से काटना है। तो ये हो गया आउल का शरीर तैयार। इसके बाद हम इसे साइड में रखेंगे और एक A4 साइज का पेपर लेंगे। आपको क्या करना है, अभी पंख बनाना है, तो पंख बनाने के लिए आपको दो पंख बनाना है। तो आप क्या करोगे, इस पेपर को इस दो भाग में फोल्ड करोगे और ऐसे ऐसे अच्छे से इसे फोल्ड करिए और फिर एक पेंसिल लीजिए और अपने हाथों का छाप रखिए और अपने हाथों का इस पर डिजाइन बनाइए इस तरीके से। तो ये डिजाइन बनाने के बाद आपको इसे इस तरह जोड़ना है। तो ये हो गया हमारे हाथ का पंजा तैयार। इसके बाद आपको इसे काटना है, जिस जहाँ पर आपने ये डिजाइन बनाया है उसके ऊपर। तो आप काटते वक्त आप किसी बड़े की मदद से आप इसे काट सकते हैं। ये हो गया हमारे आउल के पंख तैयार। तो आपको इसे साइड में रख देना है। इसके बाद हम बनाने वाले हैं उसकी आंखें। तो आंखें बनाने के लिए आप एक व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, उसे इस तरह फोल्ड कीजिए और आपको क्या करना है, एक कॉइन लेना है और कॉइन से एक सर्कल बनाना है इस तरीके से। तो सर्कल बनाने के बाद आप कैची लीजिए और इसे काटिए। तो ये हो गया इसकी दो आंखें। ये होने के बाद आपको इसका जो हमने शरीर बनाया उसे लेना है, फिर ग्लू से आपको इसे इस तरह स्टिक ग्लू लगाना है और फिर यहाँ पर ऐसे स्टिक करना है। दूसरा भी आपको लेना है, इस पे ग्लू लगाना है और फिर उसको इसके ऊपर ऐसे स्टिक करना है। इसके बाद आप स्केच पेन या मार्कर किसी लेकर इसकी आंखें बना सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया आउल की आंखें तैयार। इसके बाद आपको उसकी हमें चोंच बनानी है। तो चोंच बनाने के लिए आप कोई भी कलर का पेपर लीजिए और उसे त्रिकोण आकार में काटिए। इसे काटने के बाद आपको ये लेना है, इसे ग्लू लगाना है और यहाँ पर इसे स्टिक कर देना है।
तो ये हो गया हमारे आउल का शरीर, आंख और चोंच तैयार। तो ये शरीर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम आउल के शरीर पे जो फेदर्स होते हैं छोटे छोटे उसे बनाना है। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए दो अलग प्रकार के कलरफुल पेपर्स, और इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेना है, एक कॉइल लेना है और इस पे सर्कल्स बनाना है। इस तरीके का, तो ऐसे आपको 10 से 12 सर्कल्स बनाने हैं दोनों पेपर्स पे। तो सर्कल्स बनाने के बाद आपको कैंची से इसे काटना है। तो ये काटने के बाद आपको, लेकिन ये एक ही है तो आपको चाहिए 10 से 12। तो मैंने पहले से ही दो अलग अलग कलर्स के सर्कल्स बना के रखे थे। तो आपको इसका शरीर लेना है और फिर ग्लू लेना है और इसे ऐसे स्टिक करना है। ग्लू सिर्फ आपको इसके कॉर्नर पे लगाना है। तो यहाँ पर ऐसे आपको इसे लगाना है। फिर दूसरा कलर लेना है, फिर इसे इसके ऊपर आपको चिपकाना है। फिर वापस ऑरेंज लेना है, ऐसे करते करते आपको इसके ऊपर ऐसे स्टिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ दो कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहिए तो और भी कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपका उल्लू जो है, आउल जो है, वो और कलरफुल दिखेगा। तो ये लगाने के बाद ये हो गया हमारे फेदर्स तैयार। फिर ये होने के बाद आपने जो पंख बनाए थे अपने हाथों का इस्तेमाल करके, इसको आपको ग्लू लगाना है और यहाँ पर इसे इस तरीके से चिपकाना है। वैसे ही दूसरे को लेना है ग्लू लगाकर यहाँ पर चिपकाना है। और हम क्या करेंगे, अभी हम इसे सूखने को रख देंगे। ठीक, तो सूखने के बाद हमारा आउल कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये हो गया हमारा आउल पूरी तरीके से तैयार। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस एक्टिविटी को करने के लिए बहुत मजा किया होगा। अगर आप और एक्टिविटीज करना चाहते हैं और स्टोरी सुनना चाहते हो तो आपको अगले संडे का इंतजार करना होगा। तो अभी हम मिलेंगे अगले संडे। बाय, टेक केयर।